गुड इवनिंग दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे गुलाब के ऊपर। और रिसेंटली हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था कुछ दिनों से, तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। और बेसिकली ये वीडियो है एक अपडेट वीडियो। लास्ट दो मैंने जो वीडियो डाला था उसका जो भी अपडेट आया है उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मैंने जो जो चीज़ कहा था वो हुआ या नहीं। तो ये मेरा लास्ट वाला वीडियो का पौधा है जिसमें मैंने दिखाया था कि किस टाइप का खाद इस समय पे डालना चाहिए आप लोगों को। और ये वीडियो मैंने जस्ट 5 दिन के बाद शूट किया था लास्ट वाला वीडियो डालने के बाद। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ग्रोथ ऑलरेडी स्टार्टेड। जो मैंने आपसे कहा था कि बड को सही टाइम पे काटने से वो एनर्जी का जो आउटबर्स्ट होता है वो मैं आपको यहाँ पे पूरा दिखाऊंगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, पौधा जब अगर आपका पौधे का रूट काफ़ी हेल्दी है तो वहाँ से जो एनर्जी ट्रांसप्लांट होता है पौधे को और उसी के ऊपर बेस करके आपका जो सूट सिस्टम है मतलब ऊपर का हिस्सा है वो तैयार होता है। जितना डेवलप आपका रूटिंग सिस्टम होगा उतना ही डेवलप आपका शूट्स होंगे। और शूट और रूट अगर आपका सही हो तो फ्लावर ऑटोमेटिकली आपका सही आएगा। लेकिन गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, आप देखे होंगे कि बड शायद सही साइज़ का आ रहा है, लगभग आप अगर देखभाल सही कर रहे हैं तो डेफिनेटली पत्तों का साइज़ भी काफ़ी सही और प्रॉपर कलर के आ रहे हैं, लेकिन फूल में जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, शेप भी वैसा नहीं होता, कलर भी वैसा नहीं होता। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ फूल ना लेना। अगर हम फूल इस वक्त ना लें तो क्या होता है, वो जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में अपना एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकता है। मतलब फूल खिलाने में उसको जो एनर्जी चाहिए वही वाला एनर्जी अगर हम लोग उसका ग्रोथ पे ट्रांसफ़र कर दे तो पौधा क्या होगा, बरसात आते आते काफ़ी झाड़ीनुमा बन जाएगा, काफ़ी हेल्दी हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था कि कौन सा खाद इस टाइम के दौरान देना चाहिए। बेसिकली हम लोग 3 टाइप का खाद यूज़ करते हैं, एकदम पतला करके मस्टर्ड के सोल्यूशन, DAP का सोल्यूशन और हल्का सा मैग्नीशियम सल्फेट। मस्टर्ड केक और DAP ग्रोथ को प्रोवोक करता है, लेकिन हाँ ये अगर बहुत हेवी क्वांटिटी में हो गए या बहुत गाढ़ा जो होता है वो एकदम चला गया, मतलब एकदम गाढ़ा करके आपने मस्टर्ड केक डाल दिया तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। तो आपको एकदम पतला करके मस्टर्ड केक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना है। तो मैं लास्ट वीडियो का और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके आगे देख सकते हैं। मस्टर्ड केक और DAP का सॉल्यूशन तो चलिए हो गया, अभी नेक्स्ट वाला खाद इसमें जो जाता है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। गुलाब के बारे में कहा जाता है रोज़ लव मैग्नीशियम, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है या नहीं तो लव भी नहीं, कहीं कहीं पे तो ऐसा भी लिखा होता है बहुत सारे किताब में कि रोजेस आर हंग्री फॉर मैग्नीशियम। ये गुलाब के पौधे मैग्नीशियम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और अगर हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला, मैग्नीशियम उसको वहाँ से मिल गया और सल्फर का जो रोल प्ले है वो है पौधे को इम्यूनिटी देना। अब इम्यूनिटी शब्द का मतलब आज के डेट में हम सबको पता है। और दूसरा यहाँ पे काम जो करता है वो मिट्टी का जो pH लेवल है उसे 7 के नीचे रखने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम लोग सल्फर बेस्ड फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मिट्टी का pH थोड़ा नीचे ही रहता है, जो कि गुलाब के लिए काफ़ी सही भी है। तो यहाँ पे आपको देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आप एक बेसिक सा फर्टिलाइज़र बता दो जो पूरा साल हम लोग दे सकते हैं। लेकिन गुलाब एक ऐसा पौधा है जिसका खाद साल में काफ़ी बार चेंज किया जाता है एज़ पर इट्स रिक्वायरमेंट, क्योंकि इसका जो रूट है वो काफ़ी जल्दी डैमेज हो सकता है, इसलिए उस टाइम पे हमें रूट ट्रीटमेंट करना होता है। जब भी वेदर कंडीशंस चेंज होते उस टाइम पे इसका चेंज होता है खाना। जैसे कि मान लीजिए कि ठंड के मौसम पे हम लोग जिस टाइप के खाद को एप्लीकेशन करते हैं, उस टाइप के खाद का एप्लीकेशन अगर हम लोग
गर्मियों के टाइम पे करेंगे तो डेफिनेट है कि आपका पौधा मर जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको समझना पड़ेगा आपके पौधे का जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ये मेरा सेकंड लास्ट वीडियो वाला पौधा है जिसके ऊपर मैंने डाईबैक पे काम किया था, और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा उनको पता होगा कि ये पौधा किस हालत में था। और आज के डेट में इसका हालत आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। एक्चुअली मैंने जब इस पौधे को डाईबैक से रिकवर कर लिया, वहाँ से नया शूटिंग स्टार्ट हो चुका था, उसके बाद ये जो नॉर्मल फीडिंग था मास्टर्ड केक DAP और मैग्नीशियम सल्फेट का, वही चालू हुआ। लेकिन डाईबैक का मैं बार बार आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि डाईबैक का जो बेसिक रीज़न है वो है रूट डैमेज। ऊपर का कोई लेना देना उसके साथ नहीं है। ये सिंपल चीज़ आपने दिमाग में एकदम डाल लीजिए। डाईबैक चालू होते सबसे पहले आपको उसके रूट पे ध्यान देना है, बाकी सारा फीडिंग उसका तुरंत बंद कीजिए। अब देखिए रूट में क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जा रहा है, उसमें वाटर लॉग हो रहे हैं, उसमें दूसरा कोई प्रॉब्लम है, रूट बाउंड हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान आपके रूट सही रहे। रूट अगर सही ना हो तो पौधा डाईबैक कन्फर्म लेगा, और इस पौधे के साथ भी वही हुआ था। इसमें हल्का सा रूट बाउंड था, रूट डैमेज हो रहा था, तो मैंने उस चीज़ को जब ही ठीक किया ऑटोमेटिकली ये पौधा रिवाइव कर गया। और रिवाइव करने के बाद आज आपके सामने ये पौधा आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डेवलप हुआ है। जो लोग भी अपने गार्डन में गुलाब का पौधा लगाते हैं उसके पास ह्यूमिक एसिड, रूटिंग हार्मोन, कोई अच्छा सा फंगीसाइड, ये सब चीज़ मौजूद होना चाहिए, क्योंकि गुलाब का जो रूट डैमेज है ये किसी भी सीज़न में हो सकता है, किसी भी कारण के वजह से हो सकता है, मतलब इसका कोई स्पेसिफाइड रीज़न नहीं होता है। तो जब भी आपको वो चीज़ दिखे, वो पर्टिकुलर चीज़ें आपके हाथ के सामने मौजूद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको वो दिखेगा तब अगर आप वो सब चीज़ मार्केट से या ऑनलाइन मंगवाने गए, और जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है इसके वजह से काफ़ी जगह पे डिलीवरी सही टाइम पे नहीं पहुंचता है, लोकल नर्सरीज के पास स्टॉक नहीं है, तो जब तक वो चीज़ आपके हाथ में आएगा आपका पौधा ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका जो काम है, जो बेसिक इन्ग्रीडियंट है एक पौधे को आगे लेके जाने के लिए, वो सब चीज़ आपके घर में एकदम 100% मौजूद होना चाहिए, तब जाके आप आराम से काम कर पाएगा। अभी आप यहाँ पे जो पौधा देख रहे हो इसका नाम है लुइस एस्टेट, काफ़ी बढ़िया पौधा है और इसका जो फूल आते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो मैं 4-5 महीने पहले इसको लेके आया था मार्केट से, और उसके बाद से इसका ग्रोथ थोड़ा स्लो था, थोड़ा इसको टाइम लगा अपने आप को रिवाइव करने में। तो मैंने सबसे पहले ध्यान दिया था इसका रूट ग्रोथ के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको शो किया था मेरे एग्जीबिशन लेवल रोज पार्ट 1 में, कि सबसे पहले आपको जो काम करना है उसका रूट ग्रोथ के ऊपर करना है। रूट अगर पौधे का एक बार सही हो गया उसके बाद आप आराम से ऊपर में ग्रोथ दीजिए, और रूट अगर आपका सही नहीं है आपका पौधा धीरे धीरे डिटोरिएट होता जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर पौधे का जो स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी सही हो रहा है, और साथ में यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बेसल सूट मुझे मिला है। अब इस सूट को मैं आगे चल के लीडिंग बेसल में कन्वर्ट करूँगा, और उसी से बाकी का जो भी ग्रोथ है या पौधे का जो स्ट्रक्चर है उसको लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक के बाद एक स्टेप आप करते जाइए। आपका पौधा कभी भी ख़राब हो सकता है, मौसम के वजह से, मिट्टी के वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन आपको उसे ठीक करना आना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पौधे का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसे समझ गए कि मुझे क्या क्या करना है, और उस हिसाब से कुछ सामग्री अगर आपके पास होगा तो डेफिनेटली आपका पौधा नहीं मर सकता, कभी नहीं मरेगा। तो चलिए आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। होप आप सब लोग अच्छे हैं, क्योंकि इस टाइम के दौरान जो खबरें आ रहे हैं चारों तरफ से वो काफ़ी डरावने हैं। ऑक्सीजन का शॉर्टेज, दवाई का शॉर्टेज, वैक्सीनेशन का शॉर्टेज। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। आप अपना सेहत का ख्याल रखिए और साथ में अपने परिवार वालों का और सबके सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि अगर कुछ होता है
तो सच में कोई नहीं है देखने वाला।